नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीधे आपको बैतूल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। पंकज जी जोशी का लोकसभा संयोजक तो बता ही दिया, अब हमारे जिला अध्यक्ष बैतूल आदित्य बबला शुक्ला जी, जोरदार भाई आदित्य भाई के लिए। दूसरे जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा जी, जिला अध्यक्ष हरदा। विधायक अमला डॉक्टर योगेश पटागरे जी, विधायक मुलतई चंद्रशेखर देशमुख जी। अरे ताली वाली तो बजाते रहो भाई, यार ऐसा क्या मेरे को बोलना पड़ेगा। बैतूल के लोगों के हाथ बहुत मजबूत है, अपने आसपास की सबकी नींद उड़ा दो। वैसे आपके धमाके बड़े बड़े हो रहे हैं, छोटे मोटे नहीं हो रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। विधायक भैंसदेही महेंद्र चौहान जी, आपका भी स्वागत है। विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा उइके जी, आपका अभिनंदन है। वैसे मंच पर बहुत सारे पूर्व विधायकगण भी बैठे हैं। प्रदेश काल से पूरे मंच का जोरदार तालियां बजा। मुझे दो जगह और जाना, 3 बजे के पहले पहले, और अपनी बात भी पूरी करना और फॉर्म भी भरवाना। 3 बजे के पहले दमोह तक पहुंचना है। लेकिन जिनके निमित्त आए हैं, अभी मैंने उनका नाम नहीं लिया है, आपकी तालियां बजाएगी, बताएगी कि अब हम किसको बुलाना चाहते हैं, मैं किसका नाम ले रहा हूं। श्री दुर्गराज उइके जी हमारे भावी सांसद और अभी भी सांसद है, और ये वो कमल के फूल की माला के अद्वितीय अप्रतिम कमल के फूल हैं, जिनके माध्यम से 21वीं शताब्दी का भारत दुनिया में पहचाना जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास हमारे आपके बीच से चुन करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए भी। मित्रों, मुझे बैतूल में आने का एक अलग ही आनंद आता है। बैतूल का अपना स्वभाव और बैतूल की अपनी विशेषता, ये यद्यपि बैतूल हरदा ये थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से दो तरह का क्षेत्र है, लेकिन मां नर्मदा के आशीर्वाद से बैतूल की अपनी जो पताका लहराती नेमावर के इस और उस पार से, ऐसा लगता है कि वाकई परमात्मा ने कोई विशेष आशीर्वाद दिया इस क्षेत्र को। आप सबको प्रणाम करता हूं। इतना आनंद आता है बैतूल के अंदर, स्वर्ग से सुंदर ये हमारा वन क्षेत्र, और निर्मल मन के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु उदात्त भाव से अपने जीवन में सभी काम करते करते रानी दुर्गावती के शौर्य से परिचित और दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले ऐसे बहादुरी के क्षेत्र को लेकर के एक अलग आनंद आता। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। युद्ध के क्षेत्र में हम जब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी, तो मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के अंदर नारा लगा रहा। नारा क्या लगा रहा है हम जरा दोहरा लेते हैं। अब की बार आवाज इधर से नहीं आ रही, अब की बार ये हम नहीं कह रहे, वहां के इनके कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। और बोलते बोलते जैसे हमको मालूम, अतीत के काल में एक बड़े ऋषि थे, उनका जीवन कुछ और दूसरे प्रकार का था। उनने ऋषि में अपने जीवन में ऋषि तुल्य जीवन जीने के लिए एक मंत्र पूछा, तो मंत्र देने वाले ने कहा कि राम राम बोलो। अब उनने इतने दूसरे प्रकार के काम करे थे, उनके मुंह से निकले ही नहीं राम राम, तो उनने कहा क्या बोलो। उन्हें मरा 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 मरा, उन्होंने कहा बोलते रहो मरा मरा, अपने आप राम राम आता जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए, कांग्रेस के लोग सभी मरा मरा बोल रहे हैं और इनके मुंह से राम राम ही निकल रहा है। भगवान राम के मामले में जितने अड़ंगे लगा सकते थे, जितने कष्ट दे सकते थे, कांग्रेस के लोगों ने वो सारे कष्ट दिए, वो सारी परेशानियां खड़ी करी, लेकिन परमात्मा की दया है। 17 लाख साल हो गए भगवान राम को अपना शरीर छोड़े को, और ये हम नहीं कहते, नासा की रिपोर्ट कहती है। वो जो राम सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका जाने वाला, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाँ भगवान राम हुए के नहीं हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों को
आजादी के तुरंत बाद ये कलंक मिटाना चाहिए था, लेकिन 70 साल तक लगातार अंगे लगाते रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले इनके लोगों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दिया। नित नए वकील खड़े करते रहिए, नित नए अड़ंगे लगाते रहिए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब परमात्मा मौका देता है तो यश तो भाजपा वालों को मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन्होंने ये यश हासिल किया है और दुनिया में उदाहरण दिया है कि यहाँ हमारे दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी भले होगी, लेकिन क्या हिंदू क्या मुस्लिम ना शिलान्यास के समय ना लोकार्पण के समय बाल बराबर भी कोई बीच में मतभेद नहीं हुआ। सबने मिलकर बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और जय जय श्री राम की गूंज गूंजी दुनिया के अंदर, तो गूंज भारत तक नहीं रही, भारत से भी आगे बढ़ के अरब के अंदर अबू धाबी, वो अरब जहां हमारे धर्म को बड़ा अलग प्रकार से देखते थे, लेकिन वहां पर भी जाके भगवान राम की जय जयकार के नारे लगे और वहां भी भगवान का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए, ये उत्कृष्ट उदाहरण हमने दिया। और एक नहीं दो नहीं कितनी सारी बातें करूं, अभी तो अपने बीच में से ये शुरुआत हुई है। दुनिया के अंदर कोई सर्वमान नेता अगर कहीं है तो हमें खुशी है, भारत को ये गौरव भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन उससे बड़ा एक और गौरव हमारे हाथ में है। वो दूसरा गौरव है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वो भारत है। और भारत के जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। हम सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सिपाही जो लोकतंत्र के रक्षक के नाते से जानते हैं, और उसी नाते से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत हाथ में देना चाहिए। बोलो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और सबसे मजबूत हाथ किसके हैं? जिसकी 56 इंच की छाती हो। तो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये काम असंभव नहीं है, क्योंकि मोदी है तो फिर एक बार तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता बंधु यहाँ बैठे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन समय की कमी के बावजूद भी आप सबको प्रणाम करने आया हूँ, और मैंने निमंत्रण दिया है कि हम सब जीत करके प्रधानमंत्री की शपथ में चलेंगे। ये जो मौका आया है ये 21 शताब्दी का सबसे गौरवान्वित करने वाला क्षण रहेगा, जब क्या महिला क्या पुरुष क्या किसान क्या युवा क्या गरीब जीवन के सब क्षेत्रों के अंदर बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री फिर एक बार शपथ लेंगे और दुनिया के अंदर भारत नंबर वन का देश बनेगा। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक आपको जानकारी दे रहा हूं, आज ही जिनसे हमारा अपना संघर्ष हो सकता था, लेकिन राम जी के राह में बहुत सारे सहभागी बनते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हमारी पार्टी में शामिल होगा, यह हमारा सौभाग्य है। जोरदार ताली बजाओ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी के लिए, सुनील शर्मा जी, और पूर्व विधायक श्रीमती सुनीता बेले जी। जोरदार तालियां बजाओ, मैं इनका स्वागत कर रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करो। और 500 लोगों के साथ 6 तारीख को पार्टी की स्थापना दिवस के समारोह पे आप सब भी जहां जहां आपका मतदान केंद्र हो, जो आपकी तहसील हो, हर जगह अपना परिवार बड़ा करना है और सबको समाविष्ट करना है। जोरदार तालियां बजाओ अपने मित्रों के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब की बार और मैं आभार के लिए हमारे महामंत्री साथी।
तो बिल्कुल देखिए, बैतूल से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं।